हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपने एसएससी सीपीओ के फिजिकल का पूरा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरा सेंटर था अजमेर GC1, तो मेरा पहले दिन ही पड़ गया था 14th को। तो मैं मुंबई से आया पहले फिजिकल देने, तो सबसे पहले वहाँ सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना होता है आपको। तो 6 बजे आपको अपना एडमिट कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी और एक आईडी ओरिजिनल लेके जानी होती है, प्लस 2 फोटोग्राफ, ठीक है। फिर आपकी एंट्री हो जाएगी, फिर आप बेसिकली ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो और आपको चेस्ट नंबर एक मिल जाता है, वो चेस्ट नंबर आपको पूरा बांधना होता है बॉडी पे। फिर ऑलमोस्ट 8 बजे के करीब, 8 साढ़े 8 रनिंग स्टार्ट कर देते हैं 20-20 बच्चों की, ठीक है। अगर बात करें ग्राउंड की, GC1 की, वो है 400 मीटर के 4 चक्कर। बट थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ, ग्राउंड थोड़ा सा ऊपर नीचे है, क्योंकि उसकी जो मिट्टी है वो है रेड वाली और उसमें छोटे छोटे वो पत्थर होते हैं ना, अपने बजरी जिसको बोलते हैं, वो वाली है। तो जैसे ही कॉर्नर पे आप कर्व लेते हो ना 400 मीटर वाला, तो वहाँ रनिंग के दौरान मिट्टी खट्टी हो जाती है और आप पैर रखते हो तो पैर ऐसे पीछे को फिसलते हैं। ऐसे आप रोड पे रखोगे तो रोड जमा हुआ होता है, तो आप पुश लेते हो, तो वो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता। थोड़ा सा टाइम हल्का सा लगता है, बट अगर मैं बात करूँ स्टाफ की, वो थोड़ा सा लीनियंट है, 1-2 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम दे देगा, वो कोई फाइट नहीं है। स्टाफ काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, कोऑपरेटिव था और हर काम में आपको हेल्प मिली थी। देन आपको 6:30 मिनट में रनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आपको वेट करना होता है और जिसका नहीं हुआ है उनको थोड़ा सा वो डॉक्यूमेंट्स देके बाहर दिखा देते हैं। फिर होती है आपकी 100 मीटर की रेस, जो कि सबकी हो जाती है, उसमें कोई फाइट नहीं है। फिर आती है लॉन्ग जंप, उसके 3 चांसेस मिलते हैं आपको। पूरी मिट्टी का ग्राउंड है, ऐसा भाग के होता है, आगे मिट्टी में कूदना होता है। देन आती है आपकी हाई जंप। हाई जंप के लिए इधर अच्छा क्या है, एक तो जैसे डंडा जो रखा होता है ना, तो कई कई जगह बिल्कुल कोने पे रखते थे ताकि गिर जाए। यहाँ पर स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है, बिल्कुल पीछे रखा हुआ है, तो अगर किसी का टच भी होता है ना, तो यूजुअली इजीली नहीं गिरेगा। आप देखो किसी का ज़्यादा तेज हाथ लग गया तो गिर जाएगा, उसमें यूजुअली नहीं गिर रहा था, ठीक है। ये हो गई आपकी हाई जंप। उधर गद्दा लगा रखा है उन्होंने काफ़ी मोटा, मतलब अपने घर वाले 3-4 गद्दे इकट्ठे कर दो तो यहाँ से लेके यहाँ तक मोटा, मतलब मेरे यहाँ से लेके इतना मोटा तक गद्दा है, तो किसी को चोट भी नहीं लगती, प्लस वो इजी हो गया था, मतलब कि जंप करके आपको मिट्टी में नहीं, और थोड़ा साइकोलॉजिकल बनता है, क्योंकि जब आप सामने से देखते हो ना तो हाई जंप छोटी लगेगी, क्योंकि इतना ऑलरेडी गद्दा आपको उस साइड दिख रहा है, तो वो हाइट बहुत कम सी लगती है वो 120 ही पूरी सेंटीमीटर वो नापते हैं, बट साइकोलॉजिकल का थोड़ा खेल है। तो बहुत बंदों की हाई जंप भी क्लियर हुई थी, तो एक्स्ट्रा चांस तो किसी को नहीं मिला, बट 3 चांस में सबने यूजुअली निकाल लिया था जिनको निकालना है। शॉर्ट पुट, फिर अगेन आपको गोला फेंकना होता है, बहुत ईजी होता है। उसके बाद आती है आपकी PST, यानी कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसमें हाइट, चेस्ट और वेट देखते हैं। देखो हाइट में बंदे निकाले उन्होंने 4-5, 3 एक्स सर्विसमैन थे, 3-4 और एक्स्ट्रा निकाले। हाइट में वो बिल्कुल थोड़ा देख रहे, जैसे मेरे एक्साइज इंस्पेक्टर में 173 लिखा हुआ है, यहाँ मेरी उन्होंने लिखा 170.7, तो मतलब यूजुअली कम आ रहा है इधर, बिल्कुल ऐसा दबा देते हैं पेट में, हल्का सा वो करते हो और जैसे ही आप नीचे देखते हो तो वो पूरा नाप देते हैं, ठीक है। तो हाइट में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो 1-2 सेंटीमीटर कम लिया यूजुअली, जिसकी 170 है वो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे रहेगा। बाकी आप कंप्लेन कर सकते हो कि दोबारा चेक करो, 2 मीटर होते हैं उनके पास, दोनों के हिसाब से। चेस्ट में कोई नहीं निकाला, बाकी फिट करके पहले दिन तो बहुत लेट कर दिया था, हम 8 के करीब फ्री हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेशन जाके हुआ आ गए। तो बेसिकली मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी, वैसे फोन अलाउड नहीं था कैप्चर करना, बट जब एग्जिट हो रहे थे उससे पहले वीडियो बना ली थी मैंने, अंधेरा है, आप देख सकते हो उस वीडियो को। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर SSC CPO फिजिकल टेस्ट।